एवियन की समस्या है। एवियन क्या है, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से जान लो, एवास्कुलर नेक्रोसिस इसको बोलते हैं। और ये विशेष रूप से कहाँ होता है, तो हमारे कुल्हे की हड्डी जो होती है ना, जहाँ पर ये जिंघा की हड्डी और वो आपस में जुड़ते हैं और पैर हमारा मूव होता है, चलता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके अंदर, क्योंकि ये सारा जुड़ा हुआ है, दर्द दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो वहाँ पर क्या है, तो इसमें क्या होता है कि इसका अर्थ है कि न्यूरोवास्कुलर जो ना, वहाँ के जो खून की नलियाँ हैं, नर्व्स हैं, नेक्रोसिस एवियन, नेक्रोसिस का अर्थ होता है गलने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है, भयंकर वहाँ इन्फ्लामेशन पैदा होता है, सूजन पैदा होती है और बड़ी पीड़ा देती है, बहुत दर्द पैदा करता है। तो ये वास्कुलर नेक्रोसिस, तो वहाँ सूजन हो जाती है, दर्द होता है, जलन होती है, पीड़ा होती है, भयंकर, और इसका कोई इलाज अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। बहुत क्या करते हैं, तो उसको बदल देते हैं, वहां से जोर को यहां टार करके दूसरा आर्टिफिशियल जोर लगा देते हैं, ऑपरेशन के द्वारा, लेकिन उसकी भी कोई मियाद ज्यादा नहीं है, फिर गड़बड़ शुरू हो जाता है। तो इसलिए से ध्यान रखो, ऐसा थोड़ा सा भी गड़बड़ शुरू होता है ना, तो आपको यहाँ आ जाना चाहिए। और बहुत लोग आए हैं और बहुत लाभ मिला है, ये तो हमने देखा है। ये तो इसमें एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज जल्दी जल्दी नहीं करना है, हठपूर्वक नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, धीरे धीरे। जैसे इसका एक्सरसाइज क्या होगा, एक एक पाँव को उठाना जो रोज करते हो, फिर दूसरे पाँव को उठाना, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे, तीन तीन बार करो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद दोनों पैरों से मिलाकर करना, दोनों पैरों को उठाना। अच्छा, इसे सिर्फ ये भी बता दूं कि ये आसन इतना अद्भुत है, ये पैर का आसन नहीं है, पैर का हम उपयोग कर रहे हैं इसमें, ये हमारे जितने ज्वाइंट्स हैं उन सब ज्वाइंट्स के आसन हैं, घुटने से लेकर के, एरी से लेकर के, टखने से लेकर के, सभी पर इसका दबाव प्रभाव पड़ता है। तो इससे आपके जो है ना, बहुत लोगों की जो ना आंतें बहुत कमजोर होती हैं, उन आंतों के लिए बहुत उपयोगी होता है, खास करके हर्निया पर हमने इसका प्रयोग किया है, जिनके इंग्यूनल हर्निया हो जाता है, वो इंग्यूनल हर्निया ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती है एक्सरसाइज ये करने से। तो ये प्रयोग जो है ना करो, फिर उसके बाद दोनों पैरों को उठा करके, जैसे लेट गए और पैर को उठा करके कुर्सी पर रख दो और 5-6 मिनट तक करो इसको, तो इससे क्या होगा कि सर्कुलेशन जो है ना आपके वहाँ पर बढ़ेगा, और उसके बढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारे अद्भुत परिणाम आते हैं, वहाँ नए खून कि नलियों का निर्माण होता है, नए मांसपेशियों का निर्माण होता है, रीजनरेशन बढ़ जाता है। तो ये प्रयोग जो है ना करना चाहिए, उठा करके रोकना, यदि बिना सहारे का रोक सकते हैं तो रोको, विपरीत करनी, कमर से 90 डिग्री के ले जाओ और रुके रहो, यह हर्निया के लिए बहुत उपयोगी है।
और नेक्रोसिस के लिए भी बहुत उपयोगी है। फिर इसके अतिरिक्त जो है वज्रासन, ये बहुत उपयोगी रहता है। वज्रासन में बैठे आप, और वज्रासन के बाद उत्तान पादासन, नौकासन, इन आसनों का, फिर उसके बाद बटरफ्लाई पोस्चर। लेकिन ये ध्यान रखो, ये सारे आसन आप करो, और मैंने आपको बता दिया, तो जहाँ ये तकलीफ हो ना, तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए, हठ पूर्वक नहीं करना है। आसन योगासन का अर्थ ही होता है जो आसानी से हो। कसरत नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, कसरत में कसना है, लेकिन योग आसन है। योग यानी जोड़ना, ये जोड़ता है किसे, शरीर को मन से, मन से चित, मन को चित से, और चित से आत्मा से, और आत्मा से परमात्मा से जुड़ता है। इसलिए इसका नाम है जो परमात्मा से जोड़ सके वो योग आसन। तो उसमें सारा रिलैक्सेशन होकर के मन इधर उधर नहीं भागना चाहिए। इसलिए जो भी आसन करो, मन नहीं भागने का एक सुंदर सा तरीका हमने इजाद किया है, और करीब मैं रोज़ 2-2.25 घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मैं 2.25 घंटा लग जाता है, क्योंकि एक एक आसन को मैं काफ़ी देर तक करता हूँ। तो इसलिए जो है ना, तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो प्रत्येक आसन को मुस्कुराते हुए करो, और मुस्कुराते हुए साथ सांस के साथ जोड़ दो। सांस अंदर गया बाहर आया ओम एक, सांस अंदर गया बाहर आया ओम दो, सांस अंदर गया बाहर आया ओम तीन। तो इस प्रकार से जो है ना, मेरा होता है 108 के कई, 108 बार मैं करता हूँ वो, तो माला जाप भी हो जाता है, योगासन की प्रक्रिया जो है वो सज जाती है, योग का जो सही अर्थ है उसका लाभ मिलता है। क्योंकि योग एक्सरसाइज मात्र नहीं है, ये ध्यान रख लेना। तो ऐसा करोगे तो मन चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, इतना अद्भुत होता है। तो ये आसन करो, प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम पर ज्यादा बल दो। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत बहुत उपयोगी होगा इसमें। तो इसे ध्यान रखना है, और जब भी बैठो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहो। क्योंकि करना क्या है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त जो है प्रणव प्राणायाम, प्रणव ध्यान, ओंकार का, ओम चैंटिंग को प्रणव ध्यान बोलते हैं, प्रणव प्राणायाम बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और गर्म ठंडा सेक, देखो कहीं भी तकलीफ होती है तो गर्म ठंडा सेक अवश्य करो। 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर हम ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं, और खून का दौरा जहाँ बढ़ेगा वो दर्द को भी दूर करता है, और साथ ही साथ नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, सेलुलर रिजनरेशन जो है शुरू हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है ना, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो गर्म ठंडा कंप्रेस, कल लीवर के लिए भी हमने बताया था कि लीवर के लिए सबसे बढ़िया इलाज गर्म ठंडा कंप्रेस है। तो ये प्रयोग करो आप,